अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। ये देखिए आज स्नो तो नहीं, फ्रॉस्ट है बहुत ज़्यादा गाड़ियों के ऊपर। अभी तो जबकि ऑलमोस्ट 11 बज गए, 11 ओ क्लॉक है सुबह के, लेकिन फिर भी वो बर्फ़ें ऊपर गाड़ियों से नहीं मेल्ट हुई। ऊपर गाड़ी चलाने के लिए गर्म पानी डालना पड़ गया था, 2-3 कैटल पानी डाला। जैसे ही पानी डालो थोड़ी देर में वो फिर जमा हो, बर्फ़ जम जाती है। तो ये हालात हैं। देखो ठंड, कल भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इतने के नहीं मैं बता सकती। देखिए छतों के ऊपर भी, छतें भी वाइट वाइट हुई हुई हैं। बिन वाले सुबह आके बिन्स ले गए, तो इसलिए बाहर पड़े हुए भी लोग ले जाएंगे। देखिए मुझे बिल्कुल स्नो नहीं पसंद। कुछ लोगों को बड़ा ये लगता है, बड़ा रोमांटिक मौसम, मुझे तो स्नो बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं कैसे क्या बोलूँ इसको, कब्रिस्तान से लगता है। देखें लोग ठंड में गरम गरम टोपियाँ, गरम गरम कोट पहन के फिर रहे हैं। बड़ी बुरी सर्दी है, अल्लाह मियाँ रहम करे। सर्दी तो चीज़ ही नहीं अच्छी। एक दफ़ा जैसे मैं घुस जाए निकलती कभी। अभी हम बीमारी से हटे, बीमारियाँ थी, 2-3 हफ्ते तक हम बीमार रहे, दवाइयाँ खा खा के बुरा हाल हो गया। जिसम दवाइयों से भर गया, खाना कम था जिसम में और दवाइयाँ ज़्यादा थी। ये देखिए ये हालात हैं, अल्लाह मियाँ रहम करे, अमीन सुमा अमीन। बस पाकिस्तान में इस कदर प्यारी गर्मी है, लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा होती है जून जुलाई में तो हम कहते हैं उफ टू मच है। फिर बिजली जाती है, फिर एसी काम नहीं करते, फिर पंखे नहीं काम करते, फिर आजकल पाकिस्तान में गैस नहीं आती। देखिए हर मुल्क के अपने अपने मसले, यहाँ पे ये मसले, यहाँ पे ना ठंड बहुत ज़्यादा है। बड़ी उदासी उदासी फील होती है इस मौसम को देख के। लोग तो पाकिस्तान में जब हम लोग थे तो दिल करता था चलो जी मरी चले स्नो देखने के लिए, स्नो फॉलिंग। और यहाँ पे सिर्फ फ्रोस्ट है तो इसको देख देख के दिल ख़राब हो रहा है मेरा, तो मैं तो अपनी बात कर रही। तो जब स्नो पड़ती है और रोड जो है अभी खाली है तो वो भर जाती हैं रोड्स, और 2-3 दिन तक स्नो मेल्ट नहीं होती, और फिर वो लोग उसके ऊपर चूँकि चलते रहते हैं, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो वो ब्लैक आइस बन जाती है, सख्त किस्म की बैठ जाती है वो। उसके बाद फिर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं क्योंकि वो ब्रेक नहीं ना लगती आइस के ऊपर, तो बड़ा ख़तरनाक फिर मौसम हो जाता है। तो जनाब अली ये है यूके का मौसम, ठीक है। बैक गार्डन देखें, ये भी देखें, घास पौधे बुशेस सारी की सारी जमी हुई है, ऊपर से बर्फ़ें जमी हुई हैं। और मैंने विंडो खोला थोड़ी देर के लिए, देखें इस कदर ठंड आ रही है ना विंडो में से, कि अभी बस मैंने ज़रा सी वीडियो बना के अभी बंद कर दूँगी, टू मच ठंड है। ये छतें देखें ज़रा, छतें देख किस कदर भरी हुई हैं। इवन कि शुक्र अल्लाह का अभी तो सूरज की रोशनी भी आ रही है, सूरज निकल आया, लेकिन ठंड से बुरे हालात हैं। देखिए किस कदर विंडो में पानी जमा हुआ है। तो ये है जनाब आज यूके के हालात, बहुत ज़्यादा -डिग्री में टेम्परेचर है। चलिए इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। वो देखिए वो एक छत नज़र आ रही है बिल्कुल नेरी वाइट, वो साथ वाली है। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।